कितना साल का हो चुका है? 80 तो हो थोड़ी 80 हो थोड़ी। चाचा स्ट्रीट लाइट लगा है, लाइट सरकार के द्वारा? हम किन के लगा बनी? आप किन के लगाए हैं जी? और चापा कल उपा कल हलवाया है सरकार? ना हम एक दिन रही तो होली के बाद जो भेंट करी है। बारिश में तिरपाल भी शायद सुनने में आ रहा है कि आपके नाम पे आया था। आया रहा भाई, कौन कर वाला है हमारा गांव का है, एगो लड़का घर है बोरा में भर के लिए जाइए, कोई देखे ना रे चोर बजो चोरी के बाल जो बोरा में भर के ले आई। अच्छा ये बताई चाचा, बैठी तनी सुख है, जहाँ बैठल बानी पीसीसी रोड है? देखी देखी ध्यान से, अभी 2 महीना माटी भराला भइल तो सरकार के खाता में तो पीसीसी रोड बा। ओ कुछो को अभी 2 महीना है, सब लोग से पूछिए ये 2 महीना भराला होता। अब बाढ़ में 6 हजारिया मिलल रहुआ को ने कर बोचो दे वाला हमनी के प्लास्टर से रह गई नी। हां कोरोना में मास्क साबुन तेल सरफ शैंपू खाए पिए के कुछो ना सुने में आइल बा कि कानू खैनी बीड़ी सिगरेट सब कुछ मिलल रहे? हमर लड़का दे वाला को ने कर बोचो दे वाला। चुनाव में सुने में आवेला कि कानू कहीं पाउच उच भी मिलेला? पाउच हम पिएबे न करी, हमर लड़का पिएबे न करे, कौन एकर बजो पाउच दी। ओ ये बात बा, तो अब की दा वोट देवे के बा? अब की दा वोट देवे के बा? हम से चार दिए कौन एकर बोल करे के वोट हम ना दी। ना देम तो ना देम तो का बिगाड़ लेम? कुछो ना बिगाड़ब, तो बढ़िया आदमी के ईमानदार आदमी के वोट दी ताकि काम हो को। हां तो ईमानदार से है मैं, आप भी लोगते है सब कुछ ईमानदारे बा। बाकी वो जब हो गया बहन चलो अपने पेट भरे लगी के पेट ना भरी हमर पेट काहे के भरे जाओ ना भरला हमर लड़का एगो बा उहे का बाला खूब खिया वाला। हां इंदिरा आवास राउर ना नहीं खे, प्रधानमंत्री आवास कुछो ना का है तो राउर तो प्रधानमंत्री आवास मिल गई बार सुने में आवता हमरा मिल गल बा। कोने कर पहुंचो देले बा, अब तो ईमानदार मुखिया और ईमानदार आवास सहायक देले बाटे लोग। और लड़का के नाम से खुलल बा इंदिरा आवास, अभी ले कोनो पते नहीं के। अभी ले कोनो पते नहीं के, घुस देले बानी घुस? हां घुस कौन ची के इंदिरा आवास लाख हमरा मिली तो यो ना मिली तो यो को पैसा कि नाम की बोल करके ना दे, तो वो घुस ना देम तो ना मिली? ना मिलो बाकी घूस ना दे। अच्छा कोरोना में मास्क मुंह पे लगावे लख मिल रहे? हो एक दिन 4 गो कोनो दे ले रहे, कोनो दे ले रहे। और बाकी हम एक और दिन ना लगौनी तो बोल जो ई काठी है। हम ना लगौनी काहे ना लगैनी ना काहे ला? हां हमरा कोनो कुड़ा भइल बा। हां अच्छा एगो बात बताई, आज तक सरकार रुवा खाता में कितना पैसा डाल देले बा? एको पैसा ना खाता में से कटले बा कि ना? कटले बा कि ना? उ खाता में हमरा पैसा नहीं कि 500 रुपया बा में से काटो चो कुछ करो तो। हां आई जोन रोडवा पे बैठल बन चाचा, देखी ई पीसीसी रोड है, ई देखी पीसीसी रोड है, ई तो माटी हो माटी हो, तो सरकार के खाता में ई रोड बन चुकल बा। कौन बनौले बा कर बा छ त सरकार बनौले बा? सरकार बनौले बा को मुंह में लाल फेल दे बा छ दउ करका सरकार बनौले बा। देखी पोल लौकत है चाचा सामने, ऊपर लाइट लगा लेबा सरकार, सुने में आता कहा लगा लेबा? देखी ना सरकार तो लगवा देबा, देखी ना देखा था नहीं हमरा के मत करिया दम चाचा ना भूल सके यार वो हरी हो जाए ऊपर नहीं के जाए आसना लाइट बा कौनो पोल पे लाइट नहीं है। देखिए मजाक अलग बात है लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे सरकार किसी की भी हो वो गरीबों के साथ मजाक ही कर रहा है। आज इस चाचा को इंदिरा आवास मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला है। आज इस चाचा को सरकार के द्वारा जो फायदा दिया जाता है वो मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है कि चाचा किसी को आज तक घूसे नहीं दिए हैं। ना बाबू हम घूस ना दे, हमरा कुछ मिलो चाहे मत मिलो हौ इंदिरा आवास जौन खोलने बा कहते 20,000 रुपया हमरा के पहले दो रे तोर बोल दो तोरा के 20,000 दे दे तो हमर लड़कवा का मिली कुछ 20,000 रुपया इंदिरा आवास वाला मांगता। हाँ
तो पैसा देम ओकरा के ना एको पैसा ना देब हम एको पैसा ना देब ना देब हां तो अभी पंचायती चुनाव है बिहार में और ईमानदारी से वोट कीजिएगा तो गांव का विकास होगा। जाति के नाम पे पार्टी के नाम पे रिश्तेदारी के नाम पे वोट कीजिएगा तो ऐसे ही चाचा के तरह बैठ के सरकार को और नेता को गरियाते रहिएगा। सही है कि नहीं चाचा? ठीक बात है। तो आपकी दाव ईमानदारी से वोट देम है? ईमानदारी से वोट देम ईमानदार लोग के जो ईमानदार लोग की ओकरे के देम देम ना बेईमान की नो के ना देम की बोल करके किनो के ना ना देम ना बेईमान के ना देम। हां आज तक ईमानदार के देनी की बेईमान के देनी है? आज तक बेईमान के देनी बेईमान के देनी। लेकिन आपकी दाव हमकी दारी ईमानदार के देवे के विचार बाबा के ओकर रंग ढंग देख के ईमानदार के रंग ढंग देख। तो इस बार बिहार पंचायती चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और बिहार के गांव की जनता अगर चाहती है कि उसका विकास हो तो वो लोग ईमानदार प्रतिनिधि को चुने। अगर ईमानदार प्रतिनिधि को नहीं चुनिएगा तो ऐसे ही चौक चौराहा पे बैठ के प्रतिनिधि को गरियाते रहिएगा और कुछ होगा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि बिहार में कुछ बदलाव हो और पंचायती चुनाव में ईमानदार लोग जीत के आए तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी गांव के लोग इस वीडियो को देखें और कुछ अच्छा हो सके। जय हिंद।